रेनवाल में सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण को खत्म को लेकर जताया विरोध। भारत बंद में रेनवाल में दिखा मिला जुला असर। आरक्षण में छेड़छाड़ को बर्दाश्त नहीं करेगा दलित समाज। आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने की मांग। सीओ राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में अतिरिक्त जाप्ता सहित पुलिस बल तैनात। किशनगढ़ रेनवाल तहसील में राष्ट्रीय भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर रावण के आह्वान पर भारत बंद के समर्थन में अंबेडकर सेवा संस्था ने 13 फरवरी रविवार को भारत बंद में समर्थन देकर कबूतर चौक पर हजारों की संख्या में दलित समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। अंबेडकर सेवा संस्था के अध्यक्ष भवनलाल सभरिया ने बताया कि हमारा जो धरना प्रदर्शन है शांतिपूर्ण तरीके से किया गया है, किसी प्रकार से कोई विरोध नहीं है। हमारा मकसद बाजार बंद करना नहीं, हमारा मकसद सिर्फ सरकार व उत्तम न्यायालय को संदेश भेजना है कि यदि हमारे आरक्षण से छेड़छाड़ की गई तो वह बर्दाश्त से बाहर है, तथा उच्च न्यायालय व राष्ट्रपति से गुहार लगाई गई कि इस आरक्षण को अब संविधान की 9वीं अनुसूची में रखा जाए, जिससे भविष्य में कभी भी इससे छेड़छाड़ ना हो। इस धरना प्रदर्शन में रेनवाल तहसील की सभी पंचायतों से दलित समाज के सभी संगठन शामिल हुए हैं, तथा दलित समाज के लोगों ने रेनवाल के मुख्य बाजार में शांतिपूर्ण तरीके से 10 बजे से लेकर 2 बजे तक धरना प्रदर्शन किया एवं इसके बाद रैली निकालकर भाईचारे का संदेश दिया। इस धरना प्रदर्शन में हरसोली सरपंच मूलचंद रेकर, मुंडियागढ़ सरपंच अनीता वर्मा, मुंडली सरपंच ममता वर्मा, नांद्री प्रतापपुरा सरपंच आनंदीलाल राठी, पूर्व अध्यक्ष पवन उज्ज्वल, पार्षद ओम प्रकाश रेगर, पार्षद सुभाष दायमा, पार्षद सुनील सांखला, पार्षद प्रतिनिधि बिदामी देवी, रामदयाल पंकज, संतोष मुंडोतिया, तरुण कुमार बाकोलिया मोतीलाल अपने विचार व्यक्त किए। इस रैली में मलिकपुर लुनियावास गदरी बधारा इटावा लालासर बासड़ी खुर्द हरसोली मुंडियागढ़ प्रतापपुरा मंडा भीम सिंह और भैंसलाना मीणा चक के लोगों ने सैकड़ों की संख्या में भाग लिया। इसके बाद 21 सदस्य समिति ने उपखंड अधिकारी सांबरलेख राजकुमार तस्वा को राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में रखा जाए तथा पदोन्नति में आरक्षण को खत्म करने की टिप्पणी को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट वापस ले। इसके बाद अंबेडकर सेवा संस्था के तत्वाधन में रैली का आयोजन करते हुए रेनवाल के कबूतर चौक से बड़ा मंदिर, पुराना यूको बैंक, किसान शिव मंदिर व रूड़ा बाबा लेकर बस स्टैंड पर जाकर रैली का समापन किया गया। इस मौके पर हरिराम वर्मा, चित्रमल परेवा, शिवदयाल मुंडोतिया, राजेश मुंडोतिया, सुरेश उज्जैनिया, केसरमल मनोर, विनोद मुंडोतिया, नरेंद्र मुंडोतिया, हजारीलाल नायक, विनोद जाजूटर, सुरेंद्र वर्मा, कैलाश वर्मा, रोशन वर्मा, बाबूलाल वर्मा, गिरधारीलाल उज्जैनिया, हरीश उज्जैनिया, योगेश कुलदीप, मदनलाल वर्मा, पुरुषोत्तम रेगर, किरण देवी, बड़जी देवी, लक्ष्मी देवी, अनु देवी सहित हजारों लोग मौजूद थे। हालांकि भारत बंद में रेनवाल में भी मिला जुला असर देखने को मिला। कई व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए, कई व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद नहीं किए। वहीं दूसरी ओर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर राजेंद्र सिंह रावत सीओ सांबरलेख के नेतृत्व में SC ST सेल डिप्टी चंद्र सिंह, थाना प्रभारी अनिल सिंह तंवर में जाप्ता अतिरिक्त पुलिस बल व RST बल तैनात रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज लाइव राजस्थान। के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दी है कि आरक्षण हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, इसके खिलाफ हम इस संघर्ष के आरक्षण में पहले से मिला हुआ आरक्षण हमारा मौलिक अधिकार है और ये राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दे के हम सरकार को ये आगाह करना चाहते हैं कि आप बहुजन समाज के हितों को और आरक्षण से छेड़छाड़ मत करो, देश के गंभीर परिणाम होंगे। और हम ये चाहते हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और भाईचारा बना रहे, सरकार या कोर्ट इसको इस मुद्दे पर ले जाए कि धर्म के नाम पे, मंदिर के नाम पे, आरक्षण के नाम पे, इत्यादि के नाम पे जनता को बांटे गई, भाईचारा बढ़ रहे। हमेशा हम इस धर्म और हर को जाति को विश्वास